हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, अभी जो आप टॉपिक्स देखने वाले हैं, ये मेरे गूगल सीट के रिकॉर्डेड क्लासेस की टॉपिक है। मेरी रिकॉर्डेड क्लास मोबाइल ऐप पे मिल जाती है। मोबाइल ऐप के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके देखिए, लिंक मिल जाएगा, या फिर एक्सेल में जाके, सॉरी प्ले स्टोर पे जाके एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग को सर्च करें। तो आज हम बात करेंगे डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूले के बारे में। तो ये क्या होता है डेटाबेस और लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला? जो होता है एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है। अब जैसे कि मेरे पास डेटा है, नेम, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी, सिंपल सा डेटा मैंने रखा हुआ आपको समझाने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि मुझे यहां पे एचडी वाले प्रोडक्ट का सेल चाहिए, पहली कंडीशन, एचडी को ओवरऑल सेल चाहिए। फिर दूसरा, जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 60 हो वो हमें चाहिए। उसके बाद हमने बोला कि दो क्वेश्चन मार्क से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 लेटर्स, मतलब कि मुझे A9 वाला जो कोड है ना, इसको कंसिडर नहीं करना है। और साथ में मैं चाहता हूं कि लेस देन 50 होनी चाहिए। अब यहां पे कंडीशन हुआ, तो अगर मुझे इनका टोटल यहां पे निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए, क्वांटिटी का टोटल निकालने के लिए हमें सम इफ्स इसके लिए लगाना पड़ेगा, सम इफ इसके लिए, सम इफ इसके लिए, सम इफ्स लगाना पड़ेगा, या सम इफ्स तीनों के लिए लगाना पड़ेगा, तीनों अलग अलग करना पड़ेगा। कंडीशन चेंज होगा तो फिर से दोबारा लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास एक डेटाबेस लिस्ट में फॉर्मूले आते हैं जो डी से स्टार्ट होते हैं, जैसे डी सम, डी सम, डी सम को, या डी काउंट, डी एवरेज, डी मैक्सिमम, वेरिएशंस, उसका एक सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है कि आपको सेलेक्ट करना है डेटा को, डेटा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको किस फील्ड का टोटल निकालना है उस फील्ड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद सिलेक्ट करना है क्या, अपनी क्राइटेरिया को। तो मैंने अपनी क्राइटेरिया सिलेक्ट कर ली कि मेरी जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ए रहा। फिर एंटर प्रेस कीजिए, ध्यान रखिए क्राइटेरिया में आपका हेडिंग होना चाहिए। फिर एंटर प्रेस कीजिए तो 2156 आपके सामने आ जाएगा, 2156। ऐसे मुझे सम के जगह पे मान लीजिए एवरेज निकालना है, तो डी एवरेज, सब फॉर्मूला लगाने का तरीका एक ही है, डी एवरेज या डी एवरेज ए, डी एवरेज। और फिर हमने सिलेक्ट कर लिया डेटा को, फिर हमने सिलेक्ट किया कि एवरेज किसका निकालना है, क्वांटिटी को, फिर सिलेक्ट कर लिया अपनी क्राइटेरिया। मान लीजिए क्राइटेरिया चेंज होता है, मैं मान लीजिए से प्रोडक्ट नहीं चाहिए मुझे, इसमें मान लीजिए चाहिए इंदर का, तो यहां पे जैसे इंदर लिखिएगा आपका हर चीज चेंज हो जाएगा, लेकिन समिक्स में ऐसा नहीं होता। उसे डी एवरेज आ गया, ऐसे ही हमारे पास रहता है डी मैक्स। डी मैक्स का फॉर्मूला हमने लगाया, डेटा को सिलेक्ट किया, हमने क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया। एक चीज छूट गया हमें, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में हम क्वांटिटी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मुझे सिलेक्ट ही करना है, हम यहाँ पे मैनुअली लिख भी सकते हैं। तो क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू ला देगा कि 85 मैक्सिमम वैल्यू है इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ऐसे अगर हमारे पास डी मीन है, आप यहाँ पे डी मीन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में क्वांटिटी लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम अपनी क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते हैं, जो क्राइटेरिया हमारा है। सेम हमारे पास डी काउंट का फॉर्मूला है, डी काउंट या काउंट ए, काउंट नंबर्स के लिए है, काउंट ए आपका नंबर और कैरेक्टर दोनों के लिए सिलेक्ट किया इन्वर्टेड कॉमा में। मैंने यहाँ पे मान लीजिए इस पर मुझे इसका प्रोडक्ट का नेम का निकालना है, तो नेम लिख दिया कॉमा, और हमने यहाँ पे
जीरो आया क्योंकि डी काउंट टेक्स्ट पे वर्क नहीं करता है, तो आपको डी काउंट ए लगाना पड़ेगा, तो आपका काउंट आ जाएगा 46 आ गया डी काउंट ए। तो ऐसी तरह से और भी जो फॉर्मूले हैं, आप इंसर्ट में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, डेटाबेस फॉर्मूले में आते हैं, सेम डी एवरेज, एवरेज निकालता है, डी काउंट ए, डी गेट, डी मैक्स, डी मीन, डी प्रोडक्ट, डी एस्टिमेट डिविएशन, सम वेरिएंस, इसी चीज के लिए यूज की जाती है। और लगाने का तरीका सारे फॉर्मूले का सेम है, लगाने के तरीके में कोई चेंजिंग नहीं है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, किसी तरह की कंफ्यूजन हुआ तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।